निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट 45 डेज से चल रहा है कंटिन्यू, और ये हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल साइलेंट प्रोटेस्ट है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के लिए भी हम पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, और ये रेस्ट्रिक्शंस हम पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से लगाए जा रहे हैं। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये है कि उन पर पुलिस की तरफ से दबाव और प्रेशर है, जिसकी वजह से वो ये इकदाम करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमको भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और हमको यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि आपको कॉलेज से छुट्टी दे देंगे, आप लोग को सस्पेंड कर देंगे। ये हमारा पूरा इख्तियार है कि हम लोग आपको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इन प्रेशर से डरने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा मुल्क और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सलामत रहे, जहाँ पे हम अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, हम लोग ये चाहते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारा मुल्क इन बेजा और काले कानून से पाक रहे, और इस किस्म के गद्दारों से भी हमारा मुल्क पाक रहे। हम सिर्फ यही आवाज़ उठाने के लिए उठे हैं, और हम इस कौम को भी दावत देते हैं कि वो भी हमारा साथ दें। एक हो जाएँ तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीं, एक हो जाएँ तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीं, वरना इन बिखरे हुए तारों से कोई काम नहीं बनेगा। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, और जब तक हमारा मुल्क पहले की तरह अमन और शांति की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे, हमको हमारे सीएम पर इतना नाज है, था और है और रहेगा भी इंशाल्लाह, लेकिन हम उनसे अपील और गुजारिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द इस एनपीआर के मामले में कोई आवाज़ उठाए और इस एनपीआर पर पाबंदी लगाए, ताकि तेलंगाना की आवाम भी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, जिस तरह हर मौके और हर वक्त पे माहौल रहता था। अब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि ये अमन का माहौल यहाँ से ख़त्म हो चुका है, तो हम गुजारिश करते हैं कि केसीआर साहब भी इस पर अपनी आवाज़ उठाएं और हमारा साथ दें, और उनके इख्तियार में बहुत कुछ है, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इस एनपीआर पर पाबंदी जल्द अज जल्द आयद कर दें। हाँ, तो इसीलिए हम लोग केसीआर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस एनपीआर पर पाबंदी लगाएं और हमको अमन से यहाँ पे रहने की का माहौल यहाँ पे फराहम करें। नहीं, इसके लिए तो रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि एनपीआर ना हो, क्योंकि एनपीआर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो एनआरसी में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर ये सेंसस होता, यानी ये आदादो शुमार का जिस तरह मामला हमेशा चलता था, अगर उस तरह के क्वेश्चंस इसमें होते तो हम भी शायद इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते थे। लेकिन इसमें उसके अलावा भी एनआरसी की तरह बहुत से क्वेश्चंस शामिल हैं, जिसको हटाने के लिए भी केसीआर साहब अपना मुँह बंद किए हुए हैं, तो हम इसलिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि वो उस एनपीआर के फॉर्म से अगर वो क्वेश्चंस हटा दें तो इस सेंसस को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस की वजह से है ना, आवाम में एक बेचैनी पाई जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग सारे आवाम के हक़ में खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं।